नमस्कार, स्वागत है आपका पाव ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो कह सकते हैं कि एशियन मार्केट्स में हरे निशान के साथ ही शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 65 अंक ऊपर है, 17680 के पास इसमें कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक बार नजर डाओ और नैसडैक फ्यूचर्स पर भी डाल लेते हैं। यहां पर भी हम देख रहे हैं भले ही छोटे दायरे का ट्रेड हो लेकिन मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 38-40 अंकों की स्ट्रेंथ फिलहाल डाओ फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। और एक नजर नैसडैक फ्यूचर्स पर डाल लेते हैं। हाँ, ये भी 35 अंक ऊपर ही समय ट्रेड कर रहा है। जापानीज मार्केट निकेई 130 अंक ऊपर है और स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी जितने भी मार्केट्स खुले हैं ऑलमोस्ट 0.5% की स्ट्रेंथ के साथ खुले हैं। जबरदस्त एक्शन हमने कमोडिटी मार्केट में बनता हुआ देखा है। कच्चा तेल एक बार फिर से फोरफ्रंट पर आ गया, $102 के पास ब्रेंट है और $96 के करीब अब WTI क्रूड है। सोने चांदी में दायरे का ट्रेड है। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, किन ट्रिगर्स पर रहेगी नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीप इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आप लगातार हफ्ते की शुरुआत से ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैक्सन होल मीटिंग पर रखनी है नजर, तो बताइए कल क्या हुआ और क्या होने वाला है। एब्सोल्युटली, तो वहां पर तो नजर है, बड़ा इवेंट है बाजार के लिए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ठीक संकेत आ रहे हैं। थोड़ा मुनाफा वसूली के पिछले कुछ दिन रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन का दिन रहा है। कल भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से अमेरिकी बाजार में कंसोलिडेशन ही आपने देखा। पर हाँ, 3 दिनों की ये जो गिरावट का ट्रेंड था वो एटलीस्ट आपको थमते हुए दिखा। एक बहुत ही सीमित दायरे में 250 अंकों की रेंज में हमने डाउ पर कारोबार होते हुए दिखा और उस बीच करीब 40-50 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ है। जिस तरह से हमारे बाजार क्लोज हो रहे थे तब भी हम देख रहे थे डाउ फ्यूचर्स 60-70 अंक ही ऊपर था, तो ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से डाउ फ्यूचर्स और डाउ का आपने एक्शन बनते हुए देखा। थोड़ा आईटी शेयर्स में एक्शन ज्यादा था, हल्की खरीदारी हमने नैसडैक में देखी है, 0.4% ऊपर था। वहीं पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वहां पर आउट परफॉर्मेंस आ रही है और कल भी ये आउट परफॉर्मेंस आती हुई देखी, करीब 0.5% ऊपर देखा। तो ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा एक्शन ज्यादा था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा ज्यादा था अमेरिकी बाजारों में, जहां तक कल के एक्शन का सवाल है। बॉन्ड यील्ड ये अभी भी बढ़ी हुई है, 3.1% के ऊपर है, तो वहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। बाजार ने अनुमान लगा लिया है कि इन्फ्लेशन जल्दी दूर नहीं जाने वाला है और आगे फेड की रेट हाइक्स भी बरकरार रहेंगी, तो उस पर तो बाजार की नजर है। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो कुछ अच्छे नतीजे आ रहे हैं अभी भी, जिसके दम पर आपने बाजार को सहारा लेते हुए देखा। एनर्जी शेयर्स में कल अच्छी खरीदारी आपने आती हुई देखी, साथ ही कुछ और कंज्यूमर शेयर्स स्पेशली ट्रैवल से जुड़े शेयर्स में आपने अच्छा एक्शन देखा। आईटी और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा ही रहे थे, पर उसके सामने रिटेल शेयर्स में कल फिर से आपने बिकवाली देखी है। रिटेल सेक्टर करीब 1% नीचे बंद हुआ। कुछ और रिटेल कंपनीज के नतीजे आए थे जो उतने खास नहीं थे, जिसकी वजह से बाजार में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। पर हाँ, आज जो जैक्सन होल का सम्मेलन शुरू हो रहा है उस पर सबकी नजर है, किस तरह की कमेंट्री आती है ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की कॉमेंट्री रहेगी जो कल होने वाली, तो एसेंशियली हमारे बाजार मंडे को उस पर रिएक्ट करेंगे। बट हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। यूरोप की बात करें, थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा, कुछ ज्यादा खास वहां पर आपने नहीं होते हुए देखा है। हल्की बढ़त थी, हल्की गिरावट थी, बट कुछ ज्यादा मूव नहीं हुई। पर हाँ, जिस तरह से हमारे बाजार जब क्लोज हो रहे थे ट्रेड कर रहे थे उस हिसाब से थोड़ी बेहतर ही प्रदर्शन रहा है यूरोप का भी। कमोडिटीज पर रखिए नजर, क्योंकि यहां पर अभी तक तो कोई राहत के संकेत नहीं आ रहे। इनफैक्ट 102 पर हमने ब्रेंट को पहुंचते हुए दिखाया, तो 3 हफ्ते की ऊंचाई पर तेल अभी भी बरकरार है। अमेरिकी भंडार गिरकर आए हैं, अनुमान के अनुसार 33 लाख बैरल्स की गिरावट हुई है, तो वहां से सहारा मिला है। और इसके सामने हमने देखा है कि जो ईरान न्यूक्लियर डील की बातचीत चल रही थी उस पर भी शायद थोड़ी बात चल रही है कि जो ईरान को कुछ एक्स्ट्रा कंसेशंस चाहिए इस डील में वो अमेरिका देने को तैयार नहीं है। तो किस लेवल पर ये डील फाइनल होगी, क्या कंसेशंस होंगे, क्या फाइनल डिसीजन होगा, उस पर अभी भी सवाल उठे हुए हैं, जिसकी वजह से भी तेल के दामों को आपको सहारा मिलते हुए दिख रहा है। सोने में सुस्ती बरकरार है, कोई एक्शन नहीं है। डॉलर इंडेक्स हालांकि ऊंचाई से फिसला है, बट वैसे अगर आप देखें तो ओवरऑल लेवल्स पर अभी भी मजबूत है। पर हाँ, पिछले 2 दिनों में एटलीस्ट थोड़ी गिरावट आपने डॉलर इंडेक्स में आती हुई देखी है। बेस मेटल्स में भी ज्यादातर दबाव वाला ही एक्शन दिखा, पर एग्री कमोडिटीज में खरीदारी जारी है, जो पिछले 2-3 दिनों का ट्रेंड है वहां पर आपको रखनी है नजर। कॉफी 12 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको आती हुई दिख रही है, तो डेफिनेटली एग्री कमोडिटीज में खरीदारी है। कच्चा तेल, नेचुरल गैस ये ऊंचाई पर है, बट अदरवाइज बाकी मेटल्स में एटलीस्ट थोड़ी सुस्ती आपको आती हुई दिखी है।
चलिए दीपांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी ग्लोबल अपडेट रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन रहा है। तो कैश स्पेस में खरीदारी तो की है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, लेकिन बहुत ही छोटी। पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में कंपेयर करें तो महज 23 करोड़ की खरीद का फिगर निकल कर आया है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली बढ़ती जा रही है। 322 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा सामने आया है। वहीं एफएनओ स्पेस में भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 553 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत फिलहाल हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सबके बीच आज हमारे बाजार में आपको ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गुड मॉर्निंग। सर, जिस तरह सुबह सुबह इंटरनेशनल मार्केट से, एशियन मार्केट से क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है सर आज की ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी और निफ्टी बैंक निफ्टी में आप क्या लेवल्स आज सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए संकेत ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। जहाँ कच्चा तेल थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना हुआ है, टिका हुआ है और बॉन्ड यील्ड 3.1% पे जाते दिख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, मार्केट हल्के से रिकवर होकर हल्के हरे निशान में बंद हुए हैं, तो ओवरऑल मिले जुले संकेत है, हल्के से पॉजिटिव साइड पर या न्यूट्रल कह सकते हैं आप। हमारे अपने संकेत भी अगर आप देखें तो हल्के से पॉजिटिव साइड पर है, चाहे और मार्केट कल फिर से जिनकी ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद हुए, मजबूत है तकनीकी तौर पर। आज वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी है और साथ ही एफआईआई के डेटा देखें तो थोड़ा एक्सपायरी के एडजस्टमेंट के चलते उतने मजबूत नहीं जितने पिछले 2 दिनों में दिख रहे थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एकदम मिले जुले संकेत, और इस मिले जुले संकेतों में हमें सिर्फ सिंपल सा काम करना है, अच्छे सपोर्ट रेंज पर जब भी निफ्टी आपको दिन के दौरान दिखे वहाँ खरीदारी करना है। बायोन गिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे, 17,575 बहुत ही नजदीक का लेवल है क्योंकि 1700 पर हम बंद हुए, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,775 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यहाँ मजबूती थोड़ी बेहतर है और 39,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग आपको बैंक निफ्टी में मिली है वो बड़ी काम की है। सपोर्ट 38,700, 38,850 ये अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और एक बार 39,250 के पार निकल कर बैंक निफ्टी टिका तो फिर उसके बाद 39,450 से 39,650 ये टारगेट बनता है। थोड़ा बड़ा और दूर का टारगेट है लेकिन एक लॉजिकल टारगेट जो ऊपर का बैंक निफ्टी का निकल कर आता है वही यहीं पर आता है। पहले छोटी सी रुकावट 200-250 के आसपास है जिसके आसपास शायद हम खुले और वक्त बिताए, सो आई थिंक खरीदारी करने के रुझान के साथ बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सर थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आज हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को करना क्या है। तो घबराने की बात नहीं है, जैसा कि सर भी बता रहे हैं डिप्स पर खरीदारी के मौके देखने चाहिए। 17,500 से 575 वो आपके लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगी। डिप लेकर अगर मार्केट करेक्शन लेकर थोड़ा सा खुलता है तब आपको यहाँ पर खरीद का मौका मिलेगा। अपर बैंड 17,700 से 775 स्ट्रेच करता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 38,700 से 850 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगी। पहला पड़ाव सर ने बताया कि 39,200-250 का रहेगा, ये पार हो जाता है तो फिर सीधे आगे 39,450 और 650 तक बैंक निफ्टी अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन शेयर और सेक्टर्स में आज एक्शन देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान बताइए, गुड मॉर्निंग, आज की अहम ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको एक कैश में एक नतीजे आते हुए दिखेंगे, वेबसॉल एनर्जी सिस्टम है उसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। डीएफएम फूड्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि डीलिस्टिंग पर बोर्ड बैठक है। ई मुद्रा, इनका लॉक इन पीरियड आज खत्म होने वाला है। इन्फीबीम एवेन्यूज की अगर बात करें तो वहां पर भी बोर्ड बैठक है पूंजी जुटाने पर विचार के लिए। निपॉन लाइफ, ये उसका एफएनओ में आज आखिरी दिन होगा, सितंबर सीरीज से ये एफएनओ से बाहर होने वाला है। एक्स डेट है कुछ जिसमें पीआई इंडस्ट्रीज है जिसमें फाइनल डिविडेंड 3 का। रामा स्टील ट्यूब्स है जिसमें स्टॉक स्प्लिट है 5-1 का। कोस्टल कॉरपोरेशन जो राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। और अगर आप आईपीओ की अपडेट दे देते हैं, सबसे पहले ड्रीम फोक्स पर ध्यान रखिएगा जिसमें उनको जो सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, ओवरऑल 2 गुना ऑलरेडी भर चुका है जिसमें रिटेल का हिस्सा तो लगभग 8 गुना भर चुका है। अगर क्यूआईबी देखेंगे तो वो भी लगभग 25% है। खबरों में भारतीय एयरटेल पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एयरटेल में जो सिंगटेल है ट्रांसफर करेगी अपने शेयर्स और भारतीय टेलीकॉम को ट्रांसफर किए जाएंगे, जो ट्रांसफर करने वाले हैं वो भारतीय टेलीकॉम को किए जाएंगे और लगभग 13,000 करोड़ के आसपास में 3.3% हिस्सेदारी है जो वो की जाएगी ट्रांसफर। पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी को जो इनका एक सेगमेंट है उसको लगभग 250 करोड़ का जो है वो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। पीबी फिनटेक जिसमें वाई की
एनपी मार्केटिंग में 32 करोड़ का वो निवेश की मंजूरी मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अधिग्रहण के बाद अब कंपनी के पास जो होगी लगभग 45-51% जो होगी हिस्सेदारी होगी और पैसा बाजार मार्केटिंग और कंसल्टिंग में भी लगभग 250 करोड़ निवेश करने की मंजूरी मिल चुकी है। पराग मिल्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से लगभग 113 करोड़ जुटाए जाएंगे और ये जो भाव पे जो भाव है जिस पे जुटाए जाएंगे वो है 93.75 और प्रमोटर को लगभग 18.75 करोड़ के वारंट्स भी जो है वो जारी किए गए हैं। एबेन ऑफशोर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सेंट्रल बैंक के साथ जो इन्होंने एक सेटलमेंट का करार कर दिया है और ये जो सेटलमेंट करा है वो लगभग 122 करोड़ में इन्होंने वो जो बकाया था उसका सेटलमेंट किया है। एनएचपीसी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने राजस्थान सरकार के साथ एक करार किया है और ये अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने के लिए जो करार है वो किया गया है। और अंत में एसबीआई कार्ड्स और बैंक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आरबीआई ने जो अमेरिकन एक्सप्रेस पर जो लगाई थी कारोबार प्रतिबंध की जो लगाया था पहले अब वो हटा दिया है और अप्रैल अगर आपको मैं बताऊं तो ये अप्रैल 2021 में जो नए कार्ड जारी करने पर जो बैन लगाया था जो कि अब नहीं है। अरमान शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन रहने वाला है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी जरूर फोकस करिएगा अच्छे कमाई का मौका वहां मिल सकता है। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। एनएमडीसी यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आई है स्टॉप लॉस 116 का लगाना है टारगेट 127 का। सेंट्रम ब्रोकिंग ग्रासिम खरीदने की सलाह दे रहे हैं स्टॉप लॉस 1595 का टारगेट 1640। वहीं जी एंटरटेनमेंट भी इनकी दूसरी पिक में शामिल है खरीदारी करके चलनी है स्टॉप लॉस 258 का टारगेट 275 का। और अंत में आनंद राठी सिक्योरिटीज इनकी तरफ से एक्सिस बैंक खरीद के चलने की सलाह है स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी में 735 का लगाना है और टारगेट आपको 775 का स्ट्रेटजी में मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं कि आज के बाजार को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है कौन सी नायाब स्ट्रेटजीज वो आपके लिए खास लेकर आए हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका। आज एक्सपायरी का है दिन कल मार्केट हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे थे आज आपको कहाँ एक्सपायरी कटते दिख रही है निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए एक्सपायरी तो बिल्कुल ऊपर की तरफ ही होती हुई नजर आएगी क्योंकि लास्ट टू सेशन से जिस तरह का बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिला है और न केवल बाउंस बैक बल्कि हम बोलेंगे हैवीवेट काउंटर्स में जिस तरह की बाइंग देखने को मिली है उस लिहाज से तो लग रहा है मार्केट में आज के सेशन में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और 17,700 के ऊपर ही एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी। तो हमारा ऐसा मानना है अगर कोई भी डिप देखने को मिलता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा आज के सेशन में बहुत ज्यादा चांसेस हैं 17,740-17,750 तक के अपसाइड में निफ्टी में नजर आए तो डिप में बाय करके चलेंगे स्टॉप लॉस रहेगा 17,520 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी काफी अच्छा अपसाइड मूव देखने को कल के सेशन में मिला। अच्छी इंपॉर्टेंट चीज नजर आई जो लास्ट वीक में गैप बना था वो गैप कल के सेशन में निफ्टी बैंक ने फिल किया है तो चार्ट निफ्टी बैंक के पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं बड़े अपसाइड मूव के लिए। पर कल हमने देखा था निफ्टी बैंक काफी अच्छा पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा था निफ्टी बैंक के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बढ़िया बाइंग नजर आ रही थी तो हमारा ऐसा मानना है निफ्टी बैंक में भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। आज के सेशन के लिए 39,300 ये एक टारगेट बनेगा 39,300 तक के अपसाइड मूव के लिए निफ्टी बैंक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं स्टॉप लॉस रहेगा 38,150 का। ये भी बता दीजिए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कुछ मिलेगा अब एंड इफ सो आप कौन से पिक्स हमारे दर्शकों के लिए लाए हैं। नेहा जी देखिए दो स्टॉक मैंने चुने हैं और दोनों ही स्टॉक मेरे पसंदीदा काउंटर हैं कई बार मैंने चैनल पर रिकमेंड किए हैं और यहाँ पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के लिए दोनों काउंटर तैयार हुए हैं क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं चंबल फर्टिलाइजर को लॉन्ग करके चलेंगे 340 रुपए से स्टॉक में करेक्शन आया 317-318 के पास सपोर्ट बनता हुआ नजर आया लास्ट टू सेशन से बाउंस बैक दिखा रहा है ये काउंटर और आज के सेशन में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 333 के टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर को लॉन्ग करके चलेंगे स्टॉप लॉस रहेगा 321 का। दूसरा स्टॉक रहेगा IES इंडियन एनर्जी एक्सचेंज काफी करेक्शन 175 रुपए से स्टॉक ने करेक्शन दिखाया खबर के चलते स्टॉक में काफी करेक्शन आया है और अच्छी चीज करेक्शन में ये देखने को मिली है जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं इसका मतलब जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है लोअर लेवल से बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। हमारा ऐसा मानना है आज के सेशन में 165-165 तक के अपसाइड मूव IEX में नजर आते हैं IEX को भी लॉन्ग करके चलेंगे स्टॉप लॉस आएगा 156 का।
ओके चलिए मुदित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में कहां कहां कमाई के मौके। इसी बीच सर अपनी स्क्रीन्स पर नजर डालिए, एक डेवलपमेंट हुआ है एशियन मार्केट्स में। हैंगसेंग जो कि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर जो मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन है, जो सुबह का ट्रेडिंग सेशन है, उसको रद्द कर दिया गया। दरअसल वहां पर टाइफून यानी कि तूफान के सिग्नल्स मिले हैं और इसी कारण से ट्रेडिंग सेशन, सुबह का ट्रेडिंग सेशन रद्द कर दिया गया है। अगर ये टाइफून सिग्नल नंबर 8 के ऊपर जाता है तो फिर ये निर्धारित किया जाएगा कि क्या दोपहर का सेशन यहाँ पर सुचारू रूप से जारी रहेगा या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए जो सुबह का सेशन है, ट्रेडिंग सेशन है, उसको रद्द कर दिया गया है। अब बारी है कमोडिटी बाजार की और रणनीति समझाने के लिए हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जरा बताइए, सोना चांदी दायरे में फंसे हुए हैं, क्या लगता है, खरीदारी का मौका है या अवॉइड? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए दायरे में थे बट अभी हम देखें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ आता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1,756 गोल्ड में देखने को मिले और सिल्वर करीबन 19.25% के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है क्योंकि जैसे जैक्सन होल सिम्फोनियस आज चल रहा है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड यहाँ देखने को मिल सकता है। हालांकि आज यूएस के जीडीपी के डेटा भी आने हैं तो हमें लगता है कि एक पॉजिटिव वे में गोल्ड सिल्वर में ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, गोल्ड में करीबन 51,250 में खरीदारी करें, 51,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,800 तक देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 54,800 में खरीदारी करें, 54,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, 55,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि $1,765-$1,770 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं और सिल्वर में करीबन $19.50 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। कल एलएमई कॉपर हमने देखा बंद तो नीचे हुआ लेकिन 8,000 का लेवल तोड़ा नहीं है। इनफैक्ट यूएस कॉपर भी अभी देखें तो 1.5% की स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड कर रहा है, मतलब फंडामेंटल्स हैं तगड़े। क्या किया जाए, कॉपर में खरीद बनती है आज? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली नहीं है जी, बेस मेटल में हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा है। जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में रिवाइवल देखने को मिला है, इंडस्ट्री एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखी है तो बेस मेटल में बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। क्लोजिंग अगर देखें तो सभी मेटल एक पॉजिटिव वे में क्लोज करते हुए दिख रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी पूरे ही बेस मेटल पैक में रहेगी। पर्टिकुलर कॉपर में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 766 के आसपास खरीदारी करें, 760 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 775 से लेकर 780 तक देखने को मिल सकता है। और एलएमई भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार भाव अगेन $8,300 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, साथ ही कच्चे तेल पर भी व्यू दे दीजिए, फिर से तेजी दिखाई दे रही है, क्या करें? देखिए कच्चे तेल में देखें तो यहाँ पर हम देखा है कि $100 के ऊपर ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, $101 के आसपास है। WTI भी $95 के ऊपर है तो ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ओपेक मेंबर्स की जो स्टेटमेंट है कि प्रोडक्शन कट करने की डिमांड के चलते तो वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए। और कल हमने देखा यूएस की इन्वेंट्री भी ड्रॉडाउन होती हुई दिखाई दी है जो कि एक सपोर्टिव फैक्टर रहेंगी। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर खरीदारी करना चाहिए एमसीएक्स में करीबन 7,450 में, 7,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,700 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि 103 से लेकर $105 तक के लेवल ब्रेंट में अगेन देखे जा सकते हैं तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके चलिए अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां कहां कमाई के मौके दिख रहे हैं। तो नॉन एग्री स्पेस में डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी करके चलने का ही आज मौका दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की और जान लेते कि किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। क्रेडिट स्विस की आज रिकमेंडेशंस आई हैं, रिलायंस पर न्यूट्रल स्टैंड है, टारगेट 2510 का है। वहीं भारतीय एयरटेल आउट परफॉर्म का स्टैंड दिया है और लक्ष्य 900 का है। क्रेडिट स्विस की वोडाफोन आइडिया पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, इन्होंने टारगेट काट दिया है, पहले 5.5 था अब नया टारगेट ₹5 का है।